नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 50 देसी मुर्गी पालन करके कैसे आप 10 से लेके 12,000 तक मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो रियलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले दोस्तों, मुर्गी पालन करने के लिए आपको मुर्गी को रहने के लिए जगह देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी दोस्तों एक शेड या फिर घर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आप 50 मुर्गी पालन करेंगे या फिर हम 50 मुर्गी का आपको बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको कोई भी शेड बनाने का ज़रूरत नहीं है। 50 मुर्गी बहुत ही छोटा अमाउंट है, तो इसके लिए अगर आपके घर में कोई भी छोटा सा एरिया या फिर छोटा सा रूम खाली पड़ा हुआ है तो उसको आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, जब भी बात आता है प्योर देसी मुर्गी का, तो दोस्तों उसका चूजा मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आपके गांव घर में जो भी देसी मुर्गी रख रहे हैं घर में या फिर मुर्गी पालन कर रहे हैं, उनसे दोस्तों आप चूजा ले सकते हैं या फिर उनसे आप अंडा भी ले सकते हैं, और उस अंडे से आप अपने घर में भी चूजा निकाल सकते हैं। या फिर आपके घर के आसपास में या फिर आपके लोकल में अगर कहीं पर भी हैचरीज वगैरह है, तो उधर आप अगर अपना अंडा दे देंगे तो वो भी आपको चूजा निकाल के दे देंगे। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा, आपको बिल्कुल प्योर देसी ब्रीड मिल पाएगा। इसके अलावा अगर आप ऐसे जुगाड़ नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों आपके आसपास में या फिर कोई भी फार्मर्स वगैरह है तो उनसे भी बात करके हैचरी वाले से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो अगर आपको प्योर देसी ब्रीड उपलब्ध करा सकते हैं तो उनसे भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आता है कि चूजे का कीमत कितना पड़ेगा। तो अगर आप चूजा निकालते हैं या फिर चूजा अगर खरीद के लाते हैं, तो उसमें दोस्तों आप 30 से लेकर 35 रुपया पर चूजे के हिसाब से आप कीमत पकड़ के रख सकते हैं कि इतने में आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात आता है मुर्गी को क्या क्या खिलाना है, यानी फीडिंग के बारे में। तो शुरुआत के 30 दिन के बारे में अगर बात करें, तो उस दौरान दोस्तों बाज़ार में जो फीड आता है प्री स्टार्टर, वो दोस्तों आप अपने चूजे को दे सकते हैं। अगर दोस्तों स्टार्टिंग के टाइम यानी 1 से लेकर 30 दिन तक आप प्री स्टार्टर फीड चूजे को देते हैं, तो उसमें दोस्तों चूजे में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा जाता है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको मिलेगा। ये जो फीड है प्री स्टार्टर, ये स्पेशली जो है चूजे के लिए ही बनाया गया है। इसके बाद जब दोस्तों मुर्गी का उम्र 30 दिन हो जाएगा, उसके बाद से आपको अपने मुर्गी को धीरे धीरे फ्री रेंज में भी छोड़ना होगा। अब जब फ्री रेंज पर छोड़ने लगोगे तो मुर्गी अपना दाना खुद ढूंढ के खाएगी, चुन के खाएगी, या फिर आपके घर में जो भी बचा कुचा खाना होगा वो भी आप अपने मुर्गी को खिला पाओगे। तो इससे दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, आपका जो फीडिंग का कॉस्ट है वो कम होता रहेगा। इसके अलावा अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ और सिर्फ बाज़ार के फीड के साथ ही आप अपनी मुर्गी को पालेंगे, तो वैसे में जब चूजा 30 दिन का हो जाएगा यानी मुर्गी का उम्र 30 दिन हो जाएगा, उसके बाद से आपको जो मार्केट में ग्रोवर फीड आता है देसी मुर्गी के लिए, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको खिला सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने मुर्गी को क्या खिला के बड़ा करना चाहते हो। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुर्गी पालन में वो है दोस्तों वैक्सीनेशन। मुर्गी को दोस्तों आपको वैक्सीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप 50 मुर्गी पालन कर रहे हो, चाहे आप 5,000 मुर्गी पालन कर रहे हो, मुर्गी को समय के साथ वैक्सीनेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुर्गी में कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट वैक्सीन लगाया जाता है, उसके बारे में हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, जिसमें दोस्तों हमने प्रॉपर जानकारी दिया है सारे वैक्सीन के बारे में कि कौन सा वैक्सीन कितने दिन में और कैसे लगाया जाता है। तो वो वीडियो अगर दोस्तों आप देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये तो हो गया सारा इम्पॉर्टेंट बात। अब दोस्तों बात आता है एक मुर्गी को पालने में आपको कितना खर्चा आएगा, चिक्स खरीदने से लेके मुर्गी को तैयार करने यानी बेचने लायक तक कितना खर्चा लगभग आ सकता है। तो दोस्तों प्योर देसी मुर्गी जो है उसको अगर आप सिर्फ और सिर्फ बाज़ार का फीड खिला के बड़ा कर रहे हैं, तो वैसे में दोस्तों आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान सकते हैं 140 से लेके 150 रुपया एक मुर्गी को तैयार करने में खर्चा आ जाएगा। अगर दोस्तों आप सिर्फ बाज़ार का फीड ना खिला के घर का बनाया हुआ फीड या फिर देसी फीड के साथ मुर्गी को पालते हैं बिल्कुल देसी तरीके से, तो दोस्तों इसका जो खर्चा है वो आप 50% और कम कर सकते हैं, यानी 50% तक आप बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि आपका एक मुर्गी तैयार होने में 140 रुपया खर्चा आ गया, यानी दोस्तों अगर आप 50 मुर्गी को अगर पालते हैं तो आपका मोटा मोटा 7,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपने मुर्गी पाला है 50 मुर्गी, उसको तैयार होने में यानी जो प्योर देसी ब्रीड है, प्योर देसी मुर्गी है,
उसको 1 किलो तैयार होने में आप मान के चल सकते हैं 3 से लेकर 3.5 महीना तक टाइम लग जाता है। यानी आप अगर एवरेज बात करेंगे तो 90 से लेकर 100 दिन के आसपास तक टाइम लग जाता है 1 किलो वजन गेन करने में। इसके बाद दोस्तों बात आता है 3 महीना या फिर 100 दिन लगा के 7,000 रुपया खर्चा भी करके हमने 50 मुर्गी को तैयार कर लिया है। अब हम इसी 50 मुर्गी से कितना पैसा कमा सकते हैं, यानी कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करना चाहेंगे मार्केटिंग के बारे में। अगर दोस्तों आपके लोकल मार्केट में देसी मुर्गी का सेल होता है, मार्केट है, तो दोस्तों आप मुर्गी का काम शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपका मार्केट ठीक है तो आप इसको दोस्तों 2 तरीके से सेल कर सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों आप रिटेल में जाके सेल कर सकते हैं, यानी आपके आसपास में जो भी दुकान है जहाँ पर भी मीट कटिंग होता है देसी मुर्गी का, उधर जाके दोस्तों आप सेल कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं खुद का शॉप बना के खुद मीट कटिंग करके उसको सेल करें, तो इसमें दोस्तों आप फिर प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। तो अगर दोस्तों आप रिटेल में सेल करते हैं तो हमारे इधर जो रिटेल का प्राइस है वो दोस्तों 300 रुपया किलो के हिसाब से चल रहा है। आपके उधर का पता नहीं तो हम आप अपने हिसाब से बता रहे हैं, हमारे इधर का जो रेट है उसी के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो अगर आप 300 रुपया किलो के हिसाब से अगर आप बेचते हैं तो आपका 50 मुर्गी है, यानी 50 किलो माल तैयार हो रहा है। तो 50 × 300 अगर आप करेंगे तो टोटल जो आपका सेल हो रहा है वो 15,000 का सेल हो रहा है। तो दोस्तों ये 15,000 हमारा जो प्रॉफिट नहीं है, इसको हम प्रॉफिट नहीं मानेंगे, क्योंकि 50 मुर्गी को पालने के लिए हमें 7,000 रुपया इन्वेस्ट भी करना पड़ा था, यानी 7,000 रुपया हमारा खर्चा आया था। तो 15,000 के साथ अगर 7,000 माइनस कर देंगे तो बच रहा है 8,000 रुपया, यानी हमारा ये 8,000 रुपया जो है ये हमारा प्रॉफिट है। तो ये तो था रिटेल मार्केट में सेल करके आप 8,000 रुपया कमा सकते हैं 50 मुर्गी से। अब दोस्तों अगर आप खुद का मीट शॉप बनाते हैं, अगर खुद मीट कटिंग करके उसको सेल करते हैं तो उसमें आप कितना कमा सकते हैं। तो हमारे इधर का जो अभी सेल चल रहा है, यानी 1 किलो का जो प्राइस चल रहा है वो 350 रुपया किलो चल रहा है एवरेज। ये थोड़ा बढ़ भी जाता है कभी कभी और थोड़ा कम भी हो जाता है, तो हम एक एवरेज मान के चलते हैं 350 रुपया किलो के हिसाब से चल रहा है। तो 50 × 350 यानी 50 किलो अगर मीट आप सेल करते हैं 350 रुपये पर किलो के हिसाब से, तो दोस्तों टोटल आपका कितना हो रहा है 17,500 रुपये का आप मीट सेल कर रहे हो। तो इसके साथ दोस्तों वही सेम 7,000 जो इन्वेस्ट आया था उसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 10,500 रुपया आपका प्रॉफिट आ रहा है। यानी दोस्तों 90 से लेकर 100 दिन के अंदर आप 50 मुर्गी पालन करके 10,000 से लेकर 12,000 तक आप मुनाफा कमा सकते हैं। अब दोस्तों कई सारे के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 3 महीना समय लगा के हम सिर्फ 10,000 रुपया कमाएंगे, तो सर आप 50 मुर्गी से 5 लाख तो कमा नहीं सकते हैं, आप 50 मुर्गी से 10,000 रुपया कमा सकते हैं, और ये रियलिटी है। अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो आप ज़्यादा मुर्गी पालिए। तो आपको हमने 50 मुर्गी से इसलिए बताया क्योंकि अगर आप कम मुर्गी से स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा आगे जाके फ्यूचर में। जैसे आपको नॉलेज होगा कि कैसे मुर्गी पालन किया जाता है, क्या क्या बीमारी आता है इसमें, सारा चीज़ आप जान पाओगे। उससे भी बड़ा दोस्तों क्या है कि आप मार्केट को जान पाओगे कि इसका मार्केटिंग कैसा है, कैसे हमें मार्केट करना है। तो जैसे आप काम को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे वैसे आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, और जब आप अच्छा मार्केट बना लेंगे, मार्केट में आपका बिल्कुल पहचान बन जाएगा, तब दोस्तों आप अगर ज़्यादा मुर्गी पालेंगे तो फिर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो दोस्तों बस आज का था ये एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो किसान दोस्तों मिलेगा कभी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।